हाय गाइस, सो आज मैं बताने वाला हूँ आपको टॉप फाइव मिथ्स एंड ट्रूथ्स अबाउट बॉडी बिल्डिंग। जो लोगों ने अपने दिमाग में सेट कर लिया है कि जो चीज़ें गलत हैं वो दिमाग में बना ली कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी नहीं बनेगी। सो गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो टॉप फाइव मिथ्स एंड ट्रूथ्स। सो ओके गाइज, चैनल पर बने रहिएगा। सो गाइस, जो सबसे पहला मिथ्स है वो है 70% डाइट एंड 30% जिम। सो गाइस, ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो एक मेन जो इम्पोर्टेंट जो एक पॉइंट रह जाता है वो रेस्ट है। सो गाइस, अगर हम 70% डाइट, मतलब 70% डाइट का मतलब समझ रहे हो कि अगर आप मतलब एक घंटे जिम जाते हो, बाकी 24 घंटे जो बचे 23 घंटे, तो क्या आप 23 घंटे डाइट लोगे 70%? मतलब अगर 100% की बात करें तो एक घंटे मान लो आप जिम करते हो, बाकी 24 घंटे में से एक घंटे जो निकालने के बाद जो बचा 23 घंटे तो आप खाते नहीं हो, बाकी टाइम रेस्ट भी होता है। सो गाइस, यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इक्वली तीनों चीज़ें होनी चाहिए, कि जितना फोकस आपका डाइट पे है उतना फोकस आपको वर्कआउट पे, टेक्निक पे डिपेंड करता है। आप किस टेक्निक से करते हो, कितने अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कि गधों की तरह लगे हुए हो बस बोझ उठा रहे हो, तो वहाँ पे टेक्निक, आपकी माइंड मसल कनेक्शन, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं वहाँ पे जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं। सेम डाइट में है, डाइट में आपको डिपेंड करता है आप किस फेज़ में हो, आप बल्किंग में हो, कटिंग में हो, या आप नॉर्मली मतलब बल्किंग और कटिंग आप एक ही फेज़ में रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो साल भर एक ही फेज़ में रहते हैं अपनी फिजिक को मेंटेन करके, तो वो डाइट पे मेंटेन करता है, फिर उसकी डाइट क्या होगी उतना ही रेस्ट पे डिपेंड करता है कि रेस्ट कितना टाइम आपको लेना है, मतलब 6 से 8 घंटे की नींद, एक अच्छी नींद लेना कंपलसरी। तो हम नहीं कह सकते कि 70% डाइट एंड 30% जिम, तीनों चीज़ इक्वली यहाँ पे रहती हैं, आपकी डाइट, आपका रेस्ट टाइम, आपका वर्कआउट, सो तीनों चीज़ें इक्वली है। सो ये एक मिथ बन गया है कि 70% डाइट एंड 30% जिम। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिथ की, जो हमने बना लिया है, जो बिगनर्स बेसिकली बिगनर्स में बहुत ज़्यादा हो गया है, कि हम विदाउट प्रोटीन के मसल बिल्ड नहीं कर सकते, एक अच्छी बॉडी नहीं बना सकते हैं। गाइज, मैं 2013 में मैंने 2017 और 18 तक आई थिंक मैंने कोई कुछ भी कोई सप्लीमेंट नहीं यूज करता था, अपनी नॉर्मल डाइट, उसमें सैलड वगैरह रहता था, कर्ड रहता था, बट कोई भी सप्लीमेंट, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, फेस ऑयल, कुछ भी नहीं रहता था बिल्कुल भी। बट आप मेरी अगर स्क्रीन पे फोटो देखोगे तो उसमें मेरी फिजीक जो आज है उसी तरह से है, बस थोड़ी सी मसल मैच्योर हो गई है। साइज मेरा हमेशा से वही रहता था, कि अगर मैं अपने बाइसेप्स की बात करूँ तो उस टाइम भी मेरा 15-16 रहता था और आज भी वैसा ही रहता है। तो यहाँ पे एक मिथ बन गया है कि बिना प्रोटीन के बॉडी नहीं बन सकती, डिपेंड करता है आप हाँ उनकी बात मैं करूँ जो प्रोफेशनल होते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग जो कंप्लीट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए प्रोटीन सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है। इवन वो स्टीरॉयड्स, बिना स्टीरॉयड के भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, वो उतनी अच्छी फिजिक नहीं अचीव कर सकते कि वो स्टेज पर जाके कंप्लीट कर सकें। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ये एक मिथ बन गया है बिगनर्स में कि बिना प्रोटीन की बॉडी नहीं बनती, बनती है। जितना का आप प्रोटीन खरीदोगे उतनी की आप डाइट ले सकते हो, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो। सो गाइस, बिगनर्स के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दो एकदम से बस और बिना प्रोटीन के बॉडी नहीं बनती, ये एक मिथ है। मैंने कम से कम 4 साल एक अच्छी फिजीक बना के रखी है बिना प्रोटीन के, बिना किसी सप्लीमेंट के। सो गाइस, ये एक मिथ है। एंड बात करते हैं हम नेक्स्ट मिथ की। सो नेक्स्ट मिथ है 6 to 8 मील पर डे। सो गाइज, आई डोंट थिंक कि कोई इतना वेला बैठा है कि वो 6 से 8 मील खुद प्रिपेयर कर पाए, या उसका कोई घर वाला ऐसा बैठा है जो 8 बार उसको खाना बना के दे। सो ये एक मिथ बना लिया है कि हमें हर 2 घंटे पे कुछ खाना है। डिपेंड करता है, आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो तो आप शायद, हो सकता है कि आपने कोई बंदा रखा है जो आपको पूरी आपकी कैलोरी और हर चीज़ का, मतलब हर चीज़ कैलकुलेट करके आपको दे रहा है, हर 2 घंटे पे खाना बना के दे रहा है, तो बात अलग है। अदरवाइज मैं बिगनर्स की बात करूँ या किसी इंटरमीडिएट लेवल की बात करूँ, तो ये 6 से 8 मील पॉसिबल नहीं होती है। अगर आप 4 मील भी ले रहे हो, आप वो जो 8 मील जो आप ले रहे हो वो 4 मील अगर कर सकते हो आप, तो भी कोई इशू नहीं है। क्योंकि होता क्या है गाइज, हम 6 से 8 मील प्रिपेयर नहीं कर सकते अगर आप
ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, या कोई भी एक्स वाई जेड ऐसा काम करते हो जिसमें आपके 8 से 9 घंटे अपना मतलब जो आप बिजनेस है या कुछ भी है, सो 6 से 8 मील उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप अपनी कैलरी कैलरी और अपना BMR जो जितनी सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद जो आपका निकल के आता है कि आपको कितनी कैलरी लेनी, कितनी प्रोटीन लेनी है और कितने कार्ब्स लेने हैं, सो वो चीज़ आप कैलकुलेट करो और वो 4 मील में कन्वर्ट कर सकते हो, सेम इफेक्ट होगा। ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई अभी तक जो ये बता दे कि जो 8 मील जिसने ली उसके रिजल्ट बहुत बेहतर आए या ऐसा कुछ। तो आप 6 से 8 मील ना करके आप 4 मील भी कर सकते हो अगर आप मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, और दूसरा आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है कि वो 6 से 8 मील, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत अच्छा है तो वो इतना मेंटेन कर पाए। तो ये चीज़ एक मिथ है कि 6 से 8 मील लेनी है, अदरवाइज रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे। सो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें ये आता है कि कुछ लोगों ने ये मिथ बना रखा है कि हमें जैसे जिम करते हैं वो लोग बस दौड़ते भागते सीधे प्रोटीन पे टूटते हैं कि नहीं यार बस जिम के तुरंत बाद हमें प्रोटीन लेना है। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप आधे घंटे या 1 घंटे में भी आप प्रोटीन लेते हो वर्कआउट के बाद तो कोई इशू नहीं है। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको वाटर की कंजम्पशन नहीं रोकनी है, आप ड्यूरिंग वर्कआउट भी आपको वाटर लेना है, बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं होता है कि अगर आप आधे घंटे में प्रोटीन नहीं ले पाते हो या आधे घंटे के बाद प्रोटीन लेते हो तो आपकी मसल उतने अच्छे से पंप नहीं करेगी, मसल उतनी अच्छी बिल्ड नहीं होगी। सो ये एक मिथ बना रखा है हमने कि हमें आधे घंटे के अंदर ही मतलब प्रोटीन लेना है। गाइज आपकी जो बॉडी होती है वो इतनी कैलोरीज पहले से उसमें होती है स्टोर जो आपने पहले खाना खाया है, 7 घंटे कम से कम 5 से 7 घंटे खाने को पचने में लगते हैं। अगर आपने रात में भी खाया है, खाली पेट भी वर्कआउट कर रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है, दूसरे दिन आपने पूरे दिन मील लिया होगा और आपके अंदर इतनी कैलोरी होगी जो आपको वहां पे जो आपको बर्न आपने वहां बर्न की। और कुछ ऐसी देखो फूड आपका जाता है वो ग्लूकोज में ब्रेक होके ग्लाइकोजन के फॉर्म में ब्लड में जाता है। सो गाइज देयर इज नो इशू कि अगर आप आधे घंटे में प्रोटीन नहीं ले पाते या आधे घंटे में कोई पोस्ट वर्कआउट नहीं ले पाते हो, आधे से 1 घंटे में ले सकते हो, बट आपको वाटर की कंजप्शन नहीं रोकनी है क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने लग जाएगी, तब वहाँ पे थोड़ा सा इशू हो जाता है। अदरवाइज ये एक बिल्कुल ही मिथ है कि आपको आधे घंटे में ही लेना है, लोग दौड़ते भागते जाते हैं बस प्रोटीन पे टूटते हैं एकदम से, तो ये एक मिथ है। सो बात करते हैं नेक्स्ट मिथ की। नेक्स्ट मिथ जो बना रखा है गाइज वो ये है कि हम बल्किंग के टाइम पे कार्डियो नहीं कर सकते हैं, अगर हम कार्डियो करते हैं तो हम बल्किंग नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल ही गलत है, डिपेंड करता है आप कौन सी कार्डियो कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो। अगर आप कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हो जो ओवरऑल बॉडी का फैट या ओवरऑल बॉडी की मसल को डाउन कर रहा है तो आप वो कार्डियो मत करिए, बट आप एब्स के वर्कआउट कर सकते हो, एब्स के लिए जो जितनी भी कार्डियो एक्सरसाइज होती है वो कर सकते हो। आप रनिंग थोड़ा सा कम करिए क्योंकि रनिंग में क्या होता है जो आपका ओवरऑल बॉडी फैट होता है, बॉडी मसल होती है, वो धीरे धीरे डाउन होती है अगर एक अच्छी मील नहीं ले रहे हो आप। मेरा कहने का मतलब है जब आप मसल आपकी तब जाती है अगर आप उतना प्रोटीन नहीं दे पा रहे हो तो मसल भी डाउन होने लग जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस रनिंग करते हैं, रनिंग पे मैंने वीडियो बनाया है कि तो उसके डिसएडवांटेज में मैंने यही लिखा था कि अगर आप बहुत ज़्यादा रनिंग करते हो तो कई बार आपकी मसल भी डाउन हो जाती है। सो गाइज कार्डियो आप कर सकते हो, डिपेंड करता है कौन कौन सी एक्सरसाइज आप करते हो। सो ये एक बिल्कुल टोटल मिथ है कि बल्किंग के टाइम पे आपको बिल्कुल करनी नहीं है, फिर लोगों को बाद में ना एब्स निकालने में बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। तो आप अपनी जो कोर है उसको आप मतलब एक्टिव रखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम बाद एकदम से फिर आप कर रहे हो तो बहुत सारे इश्यू हो जाते हैं, कोर में क्रैम्प्स आ जाते हैं और पेट के इश्यू हो जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो उसको आप मत रोकिए कि आप बल्किंग कर रहे हो तो आप कार्डियो रोक दो, बिल्कुल नहीं रोकनी है कार्डियो से। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बल्किंग नहीं कर सकते हो, आपको एक अच्छी डाइट मेंटेन करनी है बस। सो गाइज ये टॉप 5 मिथ्स से आई थिंक और ये ट्रुथ्स जो इनके बारे में मैंने बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और आप वीडियो को आपने लाइक किया हो। सो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू गाइज, बाय बाय।